दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो चुके हैं। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक एंट्रेंस एग्जाम चले थे। अब बात आती है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बिकॉज वो बेचैनी थी उनके मन में कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब इंतजार की घड़ियाँ पास आती जा रही है, रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर टेंशन होती जा रही है स्टूडेंट्स को। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन जो स्टूडेंट्स को हो रही है वो इस बात की हो रही है कि जो हमारा सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा। जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करी जा रही है वो किस बेस पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तो ये दोनों डाउट्स आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस बेस पे मेरिट लिस्ट निकल सकती है, कहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो अगर आप स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की साइट खोलकर देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि अगस्त के एंड के वीक में रिजल्ट आएगा और वो जो लिखा हुआ है वो उस बेसिस पे लिखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे एग्जाम जो थे 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक होने थे, बट अब एग्जाम ही अगस्त के एंड तक हुए हैं तो रिजल्ट जो है ऑब्वियसली बात है शिफ्ट होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एग्जाम दिया और आज रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? रिजल्ट आपका आ सकता है सितंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपका एग्जाम ओवर होता है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट आना होता है। ज़्यादा देर ये लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस बार कोविड की वजह से, पिछली बार भी कोविड की वजह से एडमिशन्स डिले हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसको देखते हुए सितंबर के पहले हफ्ते में ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जैसे कि इन लोगों ने पहले भी बोला था कि अगर हमारा 27 तारीख को पेपर एंड होगा तो रिजल्ट जो है वो 30-31 तारीख तक आ जाएगा। अब यहाँ पे पेपर 31 तारीख तक एंड हो रहा है तो रिजल्ट जो है वो 4-5-6 सितंबर तक आने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। ये हो गया आपका पहले डाउट्स का सवाल। तो आप यहाँ पर 6-7 सितंबर तक वेट कर लो, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या फिर रिजल्ट ही आपका निकल सकता है। 90% चांसेस रिजल्ट निकलने के हैं पहले हफ्ते में, 7 तारीख तक 6 तारीख तक। तो मेरिट लिस्ट किस बेस पर निकलेगी इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक मार्क्स यहाँ पे रख दिया और उस मार्क्स से ज़्यादा जितने बच्चे आपको आएंगे उनके एडमिशन हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए जिस भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, लाइक स्टेम के लिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई था स्टेम का, तो हो सकता है कि स्टेम की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाए। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़, विजुअल आर्ट्स और 21st सेंचुरी स्किल में थोड़े से कंपेरेटिवली कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो हो सकता है उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाए। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे, स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, कौन सी स्ट्रीम के लिए कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, और जो प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है दोनों का 50-50% का वेटेज है रिजर्वेशन का, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स को बराबर मौका दिया जाएगा। पर बात ये आती है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कूल का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, हमें पता चलेगा हमारा एडमिशन नहीं हुआ या हुआ है, उसके बाद हम दूसरे स्कूल में ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते हो, अब टाइम निकल चुका है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था उनका एलोकेशन भी हो गया था गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने वीडियो भी बनाई थी कैसे आप अपना एलोकेशन चेक कर सकते हो। और केंद्रीय विद्यालय में भी एडमिशन अब बंद हो गए हैं बिकॉज काफ़ी सारे जो एडमिशन थे वो जब भी हो गए थे जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी 15 अगस्त 14 अगस्त 13 अगस्त 16 अगस्त में एडमिशन सारे स्कूलों में बंद हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने किसी भी स्कूल में अप्लाई नहीं किया है तो बहुत ही मुश्किल से हो सकता है आपका किसी स्कूल में बातचीत करके हो जाए, बाकी जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी स्कूल में आपको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एडमिशन बंद हो चुके हैं दोनों साइकिल्स के, गवर्नमेंट स्कूल्स के नॉन प्लान एडमिशन भी बंद हो चुके हैं। अब अगर आपका स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में नाम आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा स्कूल मिल गया, एक बढ़िया स्कूल मिल गया। नहीं आ पाता है तो उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहीं पे आप ढंग से अगर तैयारी करते हो, ढंग से पढ़ते हो और अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हो तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। हाँ, अगर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में आ जाता है तो आपको एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ अलग से करने की, कुछ अलग से स्पेशलाइजेशन मिलेगी, बट नहीं आता है तब भी आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ्यूचर है वो किसी स्कूल पे डिपेंड नहीं करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, अपना जो पेशेंस है उसको लूज़ नहीं करना है और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक कोई भी अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मेरे चैनल पे ऊपर पता चल पाए। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को, सो दैट आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रह सको। जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पे आपके सबसे पहले सॉल्व हो सकते हैं बिकॉज काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड वो वहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं आप एक दूसरे से पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, स्मार्ट स्टडी विद ऋषभ के नाम से आपको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। इसी के साथ में मेरा एक दूसरा मेन अकाउंट है affiliate.rishabh इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रह सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा।
जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।